May now I request the Honorable President of the Lahore Chamber of Commerce for his opening some remarks. Please, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu wa salamu alayka ya Sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa as-sahabika ya Sayyidi ya Habibullah. Hakim Tariq Chughtai Afkari sahab, Sardar sahab, Victor sahab, Khadim Hussain sahab, Raja Sanatar sahab, my Secretary General, my sitting and former Executive Committee members, Khawateen-o Hazrat, As-salamu alaykum. हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बरकत की बात है, फ़ख्र की बात है कि आज हकीम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हकीम साहब लाहौर चैम्बर के मेंबर भी हैं। हकीम साहब आज एक ताजिर होने की हैसियत से भी यहाँ आए हैं। हकीम साहब हमें गाइडेंस देने भी आए हैं। हकीम साहब आपसे दो तीन बातें करना चाहूँगा। सब परेशान हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी दादी कहा करती थी कि बरकत है, अब बरकत नहीं रही। क्यों बरकत नहीं रही? ये बहुत ज़रूरी है कि बरकत को वापस आना चाहिए। हम सियासत करते हैं, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सियासत तो मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन हम सियासत नहीं करते, हम मुनाफ़कत करते हैं। हम क्यों मुनाफ़कत करते हैं? हमें तो सियासत करनी चाहिए, हमें तो अपना जीने मरने उठने बैठने का तरीका हमारे नबी सिखा गए। हम उम्मती होकर भी क्यों उनकी बात को नहीं मानते? हम क्यों सिर्फ अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की नहीं मानते? कहाँ कमजोरी है? क्यों हम पीछे रह गए हैं? क्यों हम सूदी निज़ाम से नहीं निकल पा रहे, जब हमें पता है कि सूदी निज़ाम अल्लाह और उसके हबीब से खुली जंग है, फिर भी हम क्यों सूद का काम करते हैं? कहाँ कमी रह गई है? हमारी तालीम में कमी रह गई है, हमारी तहजीब में कमी रह गई है। हमें जिन्होंने पढ़ाना था उन्होंने हमें, परवरिश हमारी सही नहीं हुई। हमारे पेरेंट्स की गलती है, हमारे आबाओ अजदाद की गलती है कि हम इस्लाम पे नहीं ठहर सके। हम अंग्रेज जो हैं वो अल्लाह के कवानीन को मानते हैं और तरक्की कर रहे हैं, हम मुसलमान होकर भी तरक्की नहीं कर रहे, हम मुसलमान होकर भी अल्लाह की नहीं मानते। सब परेशान है। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कभी कोविड आ जाता है, कभी सैलाब आ जाता है, कभी जलजला आ जाता है, तो अल्लाह की नाराजगी है। क्या अल्लाह हमसे नाराज है? अल्लाह क्यों हमसे नाराज है? हम उसको कैसे मना सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? जो सब परेशान है, जो 10 लाख कमा रहा है उसके भी खर्चे नहीं पूरे हो रहे, जो 20,000 कमा रहा है उसके भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, क्यों बरकत यहाँ से चली गई? हमें क्या करना चाहिए? हमारी लाहौर चैम्बर की क्या जिम्मेदारी है? हम अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करें? स्टेट की क्या जिम्मेदारी है? स्टेट को क्या करना चाहिए? हमें अपने इन मुश्किलात को दूर करने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे आसान आसान छोटे अमाल करने चाहिए कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं? हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन शायद हम नमाज नहीं पढ़ते, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें नमाज पढ़नी चाहिए। हम दुरूद तो पढ़ते हैं लेकिन दिल से नहीं पढ़ते। तो ये जो दिल पे मैल आ गई है सर, उसमें कैसे दूर होना है? मैं नील पास के साथ आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा बोलें और जो मेरे दिल में था वो मैंने आपको कह दिया। सर मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ अपने ख्याल का इजहार करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु। वो रसूल मौलाए कुल के जिसने वो बार राह को बख्शा फरोगे वादी सीना, देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफ़ा, जो देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा। इस्लाम का जमाने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफ़ा। मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हुजूर पर, मेरी हजार जान कुर्बान मुस्तफ़ा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर ना हाथ से दामान मुस्तफ़ा। लाए न कोई नगमा मलाइक को वज्द में, गाता है जिसको बुलबुले बुस्तान मुस्तफ़ा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा सहाबी हैं, जिनके बारे में आका ने फरमाया कि 10 लोग ऐसे हैं जो दुनिया में जन्नत की बिशारत है, आखिरी दर्जे के ताजर, आला दर्जे के ताजर। उनसे पूछा आपकी तिजारत का राज, फरमाने लगे मेरी तिजारत का राज, सबसे पहला राज यह है, मैं नकद बेचता हूं
दूसरा राज यह है नकद लेता हूं, तीसरा राज यह है अपने माल का ऐब बताता हूं, और चौथा राज यह है कि मैं थोड़े मुनाफे पे माल बेच देता हूं। उनसे पूछा कोई मिसाल, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि एक दफा मेरे पास यमन से कई सौ ऊंटों का काफिला माल का आया। बड़े मदीना के ताजर आए, जी बोले आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैंने इस इतने में खरीदा है, आपके इल्म में है, और आप बेचेंगे कितने में? उन्होंने कहा बस इनकी जो रस्सियां है ना, ऊंटों की रस्सियां, ये मुझे मुनाफे में दे दे, बाकी सब कुछ ले ले। वो हैरान हो गए ताजर, मेरा सदरे मोहतरम, वो हैरान हो गए कि ये क्या कहानी है। पर वो रस्सियां फरमाने लगे अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो इतने लाख दिरहम में बिक गए। ये तिजारत थी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर जन्नत में किसी बंदे की चाहत होती तो जन्नत में न ज़रात होगी, मैं मेरा खानदानी पसे मंजर, मेरे दादा परदादा जिम्मेदार भी हैं, ताजर भी हैं, और दुर्वेशी है, फकीरी खानदानी है, और मेरे सगे परदादा 1919 में स्टेट भावलपुर के चीफ जस्टिस थे, 14 अंग्रेजों ने उनको अपनी किताबों में लिखा है, और सबसे ज्यादा कर्नल मिंचन ने लिखा है जिनके नाम पे मिंचनाबाद शहर है, वो पॉलिटिकल एजेंट थे वहां के। वो फरमाते थे कि अगर जन्नत में, इमाम गजाली ने लिखा है, किसी को कारोबार की इजाजत होती तो अल्लाह कहेगा कपड़े का कारोबार, और टॉप ऑफ द लिस्ट कारोबार में तिजारत में लोहे का काम है, और फरमाया कि तिजारत में 99% बरकत है। और एक और रिवायत में, अजीब रिवायत है, आप हैरान होंगे, फरमाया कि इमाम इब्ने सीनिन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर थे, अभी मैं बसरा गया तो दोनों के मजारात इकट्ठे, इमाम इब्ने सीनिन के ख्वाबों की ताबीर के शहनशाह थे। फरमाया कि इब्ने सीनिन रहमतुल्लाह अलैह ने जैतून का काम किया, और कई लाख दिनार, दिरहम नहीं दिनार, सोने का सिक्का उसकी तिजारत थी। एक चूहा निकल आया एक बर्तन से, मैं सच्चे ताजर की बात करता हूं, और सच्चे ताजर के बारे में यहां तक फरमाया, और मुझे खुशी है कि मैंने जनाब की शोहरत सुनी है कि सच्चे ताजर की हैसियत से, मुझे खुशी है सच्चे ताजर के बारे में यहां तक बताऊं। फरमाया सच्चा ताजर अगर उसके जिस्म का साया जिसके जिस्म पे पड़ जाए, फरमाया उससे अल्लाह पाक खतरनाक बीमारियां दूर कर देता है, जिस्म का साया। मेरे पास इसके हवाले है, रेफरेंस है, मैं 290 किताबों का राइटर हूं, मेरे पास इसका हवाला है, मैं हवाले के बगैर बात नहीं करूंगा। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह चूहा निकल आया, और इस वक्त का अरबों डॉलर का या करोड़ों डॉलर कह दो, वो एक जैतून का काम था। उन्होंने कहा जी किसी बर्तन से चूहा निकला है, फरमाया ये बर्तन से निकला है, ये जहां बड़े बर्तन बने थे और छोटे बर्तन ऊंट पे लादे गए हैं उसमें से था। उसने कहा किसका पता नहीं, फरमाया सारा जो है वो खत्म कर गिरा दो, और वो सारा गिरा दिया। ताजिर पैसे लेने आए, पैसे नहीं थे, काजी जज के पास गए, उन्होंने जेल में भेज दिया। अनस बिन मालिक बहुत बड़े सहाबी हैं, उन्होंने वसीयत की थी कि अगर मैं फौत हो जाऊं मेरा जनाजा इब्ने सीरीन, इमाम इब्ने सीरीन पढ़ाएं। अब वो जेल में हैं, काजी के पास गए कि इजाजत दे दें कि इनका जनाजा, और काजी के पास पहुंचे, काजी ने इजाजत दी, जनाजा पढ़ा के फिर जेल में चले गए, और जेल में मसरूर थे, कहा कि मैंने नबवी सियासत नहीं की, नबवी दियानत की है, और उनकी सियासत भी पाक थी, नबवी वो सियासत भी पाक थी, दियानत की है, अमानत की है, और मुझे जेल ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं जन्नत में बैठा हूं। सच्चे ताजर, ख्वाजा मुकमुद्दीन सिरानी सच्चे ताजर, शेखुल शेखुल औलिया हजरत ख्वाजा जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनको जिनके बारे में यह है कि जितने भी राजपूत हैं उनके हाथों मुसलमान हुए हैं, जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े ताजर थे कि उनकी जिरे घोड़े की वो सारी सोने की होती थी, और रस्से रेशम के होते थे। किसी ने पूछा कि शेख इतना माल दौलत और विलायत, अब जवाब सुने बड़ी अजीब जवाब है। फरमाया माल छीनने के बाद तो जारी और रोना सबको आता है, मजा तो यह है माल हो और फिर मांगना आ जाए। और उनकी विसाल के बाद उनके बेटे सदरुद्दीन, ये बहाउद्दीन है, बेटे सदरुद्दीन ने सारा माल सबका कर दिया,
और फक्र अख्तियार किया, मिस्कीनी अख्तियार की, तो किसी ने पूछा आपने माल सदका क्यों कर दिया? अब यह जवाब भी अनोखा है। मुझे खुशी है मैं इस वक्त ताजरों में बैठा हूं। मेरा दादा पर दादा हम ताजर हैं, जरात और जिम्मेदारा भी। और लेकिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मरहबा। हजरत बहाउद्दीन ज़िकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, सदरुद्दीन ने फरमाया उनके पास सांप का मंत्र था, मेरे पास नहीं है, दौलत सांप है। उनके पास मंत्र था, उनके एक हाथ में दौलत थी और दूसरे हाथ में हुब्बे रसूल थी, वो दोनों को लेके चल रहे थे। मैं, मेरे पास मंत्र नहीं है, इसलिए मैंने सारी दौलत राहों में सदका कर दी। वो सच्चे ताजर थे। मैं समरकंद 3 दफा गया हूं, इस मुल्क का 3 सफर किया। हर दफा ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे गया हूं। और ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार वो है जो इतने बड़े ताजर थे कि सिल्क रोड जो आपका ये सारा जो है इसको क्या कहते हैं आजकल, शहराए रेशम, ये सिल्क रोड में हर तीसरा काफिला ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का होता था। नक्शबंदी सिलसिले के विलायत के ताजदार, और मैंने उनके मजार पे हमेशा एक पैगाम कहा है। मैंने कहा अल्लाह तू ही पहुंचाएगा। और मैंने कहा ख्वाजा एक तरफ विलायत की ताजदारी, एक तरफ दुनिया की ताजदारी, ये गौर हमें भी सिखा देंगे कैसे मिलेगा। सच्चे ताजर जिन्होंने जिंदगी में अजमतें पाई। हमारे मोहतरम सदर मोहतरम ने एक बात कही है और बड़ी काम की है, हम नमाज नहीं पढ़ते, वर्दिश करते हैं, बरकत कहां गई? देखें कुत्ती कितने बच्चे देती है, बकरी कितने बच्चे देती है। बकरी में बरकत है, कुत्ती में कसरत है। हम कसरत के मुतलाशी ना बने। और आपकी बात पे मैं बरकत का एक वजीफा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। उसके साथ एक वाकया, मैं मदीना मुनव्वरा था तो एक दरवेश के यहां बैठा हुआ था सामने होटल में। एक साहब आए, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी पगड़ी, मैंने कहा कोई शेखुल इस्लाम है। मुझे तारुफ ये हुआ कि ये लाला मूसा के साथ एक जगह है, पहला उसका नाम शैतानिया था, अब रहमानिया है, वहां के ये SHO हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे हैरत हुई। तो उन्होंने कहा कि ये इनको वजीफों से ताल्लुक है, वो अकरी का नाम सुना है जी, इनको बता। कहने लगा मैं कॉन्स्टेबल भर्ती हुआ और गुर्बत फकर था, और मैंने पहले दिन कहा कि हलाल और तैयबता है। मैंने ईंटें उठाई, मैंने रेत उठाई, मेरी बीवी ने चारपाइयां बुनी, स्वेटर, मुर्गियां, अंडे, मजदूरियां की। मेरी उम्र ढलती गई। एक दफा रमजान था, गर्मी थी, तीसरी मंजिल पे इतने हजार ईंटें पहुंचाने का ठेका लिया हुआ था और मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, जिस्म ढल गया। मैं रो पड़ा, मैं कहा मौला अब तो बरकत के दरवाजे खोल, अब बहुत हो गई। आशूरा का ठल जाना, सुगरा का वो मर जाना, असगर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना, वो गम था अंदर कि मौला अब तो बरकत के दरवाजे खोल। बस एक दुर्वेश मिले, उन्होंने फरमाया अगर कायनात के खजाने लेना चाहता है, एक वजीफा बताता हूं, 129 बार सूरत कौसर पढ़ यकसुई के साथ, अल्लाह के खजानों को देख। 129 बार सूरत कौसर पढ़। कहने मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, दिल नहीं ढला। इन्ना लका फिन नहारे सबहन तवीला, सूरत मुजम्मिल में मौला दिन बड़े लंबे हो गए हैं, अब तो छांव दे दे। दिल नहीं ढला, पर कुदरत का निजाम है, रब के कलाम में ताकत और तासीर है। लम्हे चलते रहे, अचानक में रब ने बरकतों के दरवाजे खोले। और अब कहते हैं, मुझे कहने लगा मेहराम मेरे पास है गाड़ी, मैं मियां बीवी हज करने आए हैं, रब ने उन्हीं पैसों में वो बरकत डाली जो पहले थे खत्म हो जाते थे। मेरी महाना 10-12 रोज के बाद सैलरी खत्म हो जाती थी। अब आलम यह है, बरकत का यह दरवाजा है 129 बार सूरत कौसर, और बड़ी बड़ी हस्तियों से इसके हवाले रेफरेंस मौजूद हैं। और एक और वजीफा, अगर आप किसी से सौदा करते हैं, वो अरबों में है या रुपयों में है, सिर्फ 45 बार पढ़ लें या कादिर हो या नाफिर, आप जिंदगी का तजर्बा कर लें, सिर्फ 45 बार। मैं वक्त थोड़ा है, बहुत थोड़ा वक्त है, मैं 7-7 घंटे बात करने वाला, 2-2, 3-3 घंटे मेरे लेक्चर्स पड़े हैं अपनी सोशल मीडिया पे। मेरी गुजारिश ये है 45 बार, सिर्फ 45 बार या कादिर हो या नाफे हो। आप सौदा ले रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, अगर आप ये पढ़ लें
जिंदगी में उस सौदे में नफा देखें, उसमें खैर देखें, नस्लों के लिए बरकतें देखें। मैं लफ्ज नस्लों के लिए कह रहा हूं। मजन चुंगी में दो प्लाजे ऐसे हैं, एक ऐसे साहब के थे जो माल और दौलत में अजीम तर और लाहौर का किंग था और उसका सिक्का चलता था। फिर एक वक्त आया कि गुलबर्ग में एक गोश्त वाले ने मुझे कहा कि चुप करके आता था, 100-200 करके मैं देता था और घर का राशन चलता था, क्योंकि वह तो इसमन तशा वह तो जिलुमन तशा। एक पल के अंदर जवाल और एक पल के अंदर उरूज, पल पल में उरूज। हर साल मेरा मेरी महफिल होती है। अभी मेरा सखर का सिंध का अंदरून सिंध का सफर था, गाड़ी की मीटर ने बताया कि 29 किलोमीटर। सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब के घर हर साल महफिल होती है कि सईद खुर्शीद अहमद शाह साहब साथ बैठे हैं, उनके बंगले में हर साल मैं टाइम देता हूं। वो उनके हाँ मैंने ये कहा और उनके मुंह से एक लफ्ज़ निकला, खुर्शीद शाह साहब बीमार हैं, फेडरल मिनिस्टर भी हैं, उनका खानदान तस्बीह खाने से निस्बत है। उन्होंने एक लफ्ज़ कहा, कहा कि मैंने वाकई अल्लाह के कलाम और इन वज़ाइफ में बरकत देखी है। लफ्ज़ कसरत की बात नहीं कर रहा जो हमारे मोहतरम सदर मोहतरम ने फरमाया, मैं लफ्ज़ बरकत की बात कर रहा हूं। या कादिर हो या नाफे हो, सिर्फ 45 बार, सिर्फ 45 बार। और बात मैं खत्म करना चाह रहा हूं। जनाब हमारे सरदार रमेश अरोड़ा साहब MPA हैं, मुझसे कहने लगे नींद नहीं आती, सियासी मसरूफियात, दिन रात बाग दौड़, बैंक के मालिक भी हैं, ताजर भी हैं, सियासतदान भी हैं। मैंने कहा सरदार जी, पुराना जराना है मेरा, आबाई घर बहावलपुर में अल्हम्दुलिल्लाह, बाप दादा परदादे का, वहां भी तशरीफ लाए, बड़ा फार्म हाउस है नवे कनाल का शहर के दिल में। मैंने कहा सिर्फ पिंडलियां और पांव की मालिश कर तेल से। फिर वो कहते हैं बटन है नींद का, सिर्फ हजरत ने जब फरमाया तो वही हुआ कि मैं सोने से पहले सिर्फ पंजाबी बोलो जैतून का तेल लेके ना जी, तो तलियां तलाया तो पिंडलियां तलाया, इस तरह जिस तरह बटन ऑन ऑफ नहीं करते जी, लगता है बटन ऑफ किया। 10 मिनट और गल करो ना सर, नींद आ गई। आपने मुझे 15 मिनट सर, 10 मिनट और करो ना, 11:30 तक करो सर, 12:30 तक जी। ठीक है, मुझे तो जो हुक्म मिला मैं उसके मुताबिक करूंगा। शुक्रिया। अच्छा ये ऐसा टोटका है क्योंकि मैं ताजरों की सेहत और फिटनेस चाहता हूँ। ताजर सेहतमंद है उसका फैसला सेहतमंद होगा, और ताजर सेहतमंद है उसकी जिंदगी में सेहत होगी, मखलूक और इंसानियत की खिदमत करेगा। मैं इसलिए ये सेहत के टोटके। अच्छा पांव की मालिश जैतून का तेल से करें। एक और काम जरूर कीजिएगा, कोविड कोरोना में मैंने लोगों को एक टोटका बताया और जिसको बताया और वो आज भी वैसे है, नाक, असल हमारा नाक है ऑक्सीजन जो भी है, मास्क यहां है, असल नाक ताल्लुक मास्क से, यहां जैतून का तेल लगाएं। एक बंदे को ना खुराटे आ रहे थे बहुत ज्यादा, मैं कह इसकी गरारियों को तेल दो। गरारियां कौन सी होती हैं? मैं कही अंदर गरारियां सारी। यकीन जानिए ड्रॉप्स में आप जैतून का तेल सफर हजर में साथ रखें, सोते हुए एक कतरा इधर एक कतरा इधर डाल के ऐसे नाक को मले अच्छी तरह से, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई धूल, कोई एलर्जी, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है। हमारे मोहतरम सीनियर हकीम उस्मान साहब तशरीफ फरमा है, मेरे बड़े हैं, काबिल एहतराम हैं, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, आपका जिस्म बिल्कुल निढाल है और नींद बेचैन है, पिंडलियों को तेल लगाएं, नाक में तेल लगाएं। एक और जगह तेल लगाना ना भूलें, तेल की बात चली, जिसकी जिस दरवाजे से अम्मा के पेट में हिजा मिली थी वो है नाफ। हमारे बड़े जितने भी थे, मेरे मोहतरम विक्टर राय साहब 91 साल की उम्र में माशाल्लाह तशरीफ ले जा रहे हैं, 21 साल से मेरे पड़ोसी हैं, ये नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस के हेड हैं पूरे मुल्क के, और इस वक्त 3 मजाहब बैठे हैं, सिख मजहब, क्रिश्चियन ईसाई मजहब, मुसलमान, और ये मोहब्बतों का पैकर हमेशा रहे और प्यार हमेशा रहे। मैं मोहब्बत और प्यार और अमन का रवादारी का सफीर हूँ, हर मजहब हर मसलक मेरे पास आता है, हर मजहब। अच्छा नाक में ना आप चंद कतरे लगाएं, नाफ में जरूर लगाएं, गेटवे है, इंग्लिश ने अंग्रेज ने नाफ को गेटवे कहा है। नाफ पुराना बाबा जो भी होगा उससे पूछ लें, वो नाफ में तेल जरूर लगाता है। जो शख्स नाफ में तेल लगाएगा कब से बचेगा, बवासीर से बचेगा, पेट बढ़ने से बचेगा, मेदे की गैस तबखीर से बचेगा, उसकी नजर मजबूत रहेगी, चेहरे पे रौनक रहेगी।
चेहरे पे, और बशाशत हशाशत रहेगी, दिमाग रोशन रहेगा, नाफ में तेज, सेहतमंद, ताजर, जिंदगी का एक ऐसा रवां गवां हिस्सा है। अगर वो बीमार हो जाए तो तिजारत ही बीमार हो जाती है। एक और अगर इजाजत हो तो मैं आपकी खिदमत में एक और अर्ज करूं, वो भी आप जरूर कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। सोते हुए सिर्फ दिल पे हाथ रख के, इस वक्त दिल के अमराज और दिल की दुनिया बहुत कमजोर है। दिले जिंदा तू ना मर जाना, दिले जिंदा तू ना मर जाना, कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से, जिंदगी ताबीर है तेरे जी, या बायसो या नूर हो, बस सिर्फ 11 बार सोते वक्त, वुजू बेवुजू हर हालत में, अल्लाह पाक जल्ला शानू के दो मुबारक नाम है, या बायसो या नूर हो, सिर्फ 11 बार। टेंशन का इलाज, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद, दबाव, तनाव, खिंचाव, घबराहट, उसका इलाज है। और जो मुतवाकित इसको जारी रखेगा, आला किस्म के ख्वाब, बड़ी बड़ी हस्तियों की ज्यारतें, और जो इसको जारी रखेगा आखिरी वक्त में कलमा नसीब, खात्मा ईमान पे, जो इसको जारी रखेगा उसके दिल की दुनिया रोशन और आबाद होगी, और जो इसको मुतवातर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, सिर्फ 11 बार या बायसो या नूरो, या बायसो या नूरो, और जो इसको करेगा हैरतअंगेज तौर पे अल्लाह पाक जल्ला शानू उसकी दुनिया में, उसके रिस्क में, बस हैरतअंगेज तरह। मुझे एजाज़ अल्हक़ साहब ने बताया, कहने लगे मुझे नमोनिया हो गया, आपका वजीफा मैंने पढ़ा, मेरी तहज्जुद जिंदा होगी, अब मेरी तहज्जुद क़ज़ा नहीं होती। और इससे जो बंदा कहता है कि उसकी जुबान पे जिक्र हर वक्त दरूद पाक जिक्र रवां दवा रहे, वो या बायस हो या नूर हो, अपनी जिंदगी में दिल पे हाथ रख के हमेशा पढ़ा करे। एक और टोटका आपकी खिदमत में रूहानी अर्ज करूंगा, इस वक्त गैर महफूज जिंदगी बहुत बढ़ रही है, गाड़ी, घर, इज्जत, जेब, गैर महफूज, अदम तहफ्फुज़ का शिकार है पूरा मुआशरा, अदम तहफ्फुज़ का शिकार है। और अदम तहफ्फुज़ में जहां असबाब को अख्तियार करना है, रिवायात में आता है ऊंट को रस्सी से बांध, ऊंट को बांध और उसके बाद फिर तवक्कुल अख्तियार कर, हिफाजत और असबाब को अख्तियार करने के बाद अगर 11 बार सिर्फ या हफीज और या सलाम पढ़ लिया जाए, इसके इतने वाकयात हैं, इतने वाकयात हैं। मैं अभी एक मुल्क पे सफर में आ रहा था, जहाज पे या हफीज लिखा हुआ था, अल हफीज, मैंने कहा बेटा इसको मोबाइल पे ले लो। मैं वहां, ये हमारा वाह कैंट की असलहा फैक्ट्री है, एक गेट पे अल्लाह दूसरे पे हफीज लिखा हुआ था, मैं कहा इसको मोबाइल पे ले लो, उनकी तस्वीर नहीं है, मैं गाड़ी से ले ले, ये लेख लिखा हुआ अल्लाह हफीज, क्यों या हफीज या सलाम, इतनी हिफाजत है इसमें, या हफीज हो या सलाम, या हफीज हो या, सिर्फ 11 बार, सिर्फ 11 बार। मैं डॉक्टर अब्दुल्कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह के साथ बैठा हुआ था, तो मुझसे मैंने कहा सर आपकी हिफाजत, तो कहने लगे ये सारी आपके साथ बैठे हुए आर्मी बैठी हुई है। मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा या हफीज हो या सलाम, मुझसे कहने लगे मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी थी, जिस दिन से पढ़ी है मैंने इसको 11 दफा पढ़ता हूँ, और ऐसे हैरतअंगेज डॉक्टर अब्दुल्कदीर खान रहमतुल्लाह के अल्फाज है, ऐसे महसूस करता हूं जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई दीवार है, बस है दीवार और मेरी हिफाजत हो रही है। हमारे मुल्क का सरमाए थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मेरी आपसे दरखास्त टूटते हैं, और रिस्क बढ़ाने के लिए मैं एक चीज आपकी खिदमत में अर्ज करूं, रिस्क के लिए देखिए, मेहनत कोशिश शर्त है, पर मेहनत कोशिश पे फैसले शर्त नहीं है, मेहनत कोशिश शर्त है। कितने लोग ऐसे हैं, जी मैं अर्ज करता हूं, मेहनत कोशिश शर्त है, पर कितने ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करते करते, पोरिया करते करते, जिंदगी गुजारते गुजारते कुछ ना मिला। मैं एक रिस्क की बरकत के लिए आपकी खिदमत में एक चीज अर्ज करता हूं, वह है बेजुबानों का लंगर आम करें। बेजुबान कौन? बेजुबान इंसान, बेजुबान। आप कहेंगे इंसान बेजुबान कैसा? वो लोग जो मांग नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते। हाँ, हज़रत रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ ले जा रहे थे, एक देखा एक मांगने वाला है, उसको दिया, फिर उसने मांगना शुरू किया, हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया इसको बुलाओ, यानी उसकी जरूरत पूरी कर ली, फरमाया इसको बुलाओ, और उसका देखा तो सबके का माल था, फरमाया सबके के ऊंटों को डाल दो, और दुर्रे से उसकी खबर ली, और फरमाया जो मांगने वाले गलियों में है मफहूम है, वो अल्लाह से नहीं मांगते, वो अपनी झोलियों में जहन्नुम की आग करते हैं। पेशावर भिखारी नहीं, बेजुबान।
और मैं बेजुबानों की आज आपको तरतीब बताता हूँ जो कुरान ने बताई है, और जो मेरा अकरी का इस वक्त निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में चल रहा बेजुबानों के बारे में, वो है वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबने सबील, सबसे पहले रिश्तेदार जिन्होंने जलील किया, खुआर किया, रुसवा किया, पर गरीब हैं, सबसे पहले रिश्तेदार उनको अपनी ज़कात, अपने सदके, अपने अतियात, अपने हदाए दें, सबसे पहले रिश्तेदार। वबिज़िल कुर्बा करीबी रिश्तेदार, वल यतामा फिर यतीम फिर मिस्कीन, वबने सबील फिर मुसाफिर परदेशी, बेजुबानों को देने वाला, उसके बाद बिलियां, उसके बाद मकोड़े। ऐसे चौथे सईद अलमदार हुसैन शाह अनारकली थाने में हम हर मंगल के दिन बैठते थे, फौत हो गए। कहने लगे मैंने यूसुफ अलूदे वाले से पूछा, मैं जनाब काजी की बात कर रहा हूं, यूसुफ अलूदे वाले उस वक्त जिंदा थे अनारकली में, आज भी सर्दी में लैंड नहीं टूटती उनकी, पता नहीं कहां से जिन्नात अल्लाह भेजते हैं और उनका फालूदा बिकता है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप, कहने लगे मुझे एक दुर्वेश ने टोटका बताया, आज मैं ताजरों को, हमारी बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, आज मैं ताजरों को वो टोटका बता रहा हूं जो मुझे उसने बताया। कहने लगे मैं क्या करता हूं, मैं अब उमर रशीदा हो गया हूं, सुबह की सैर है, ऐसा करता हूं केला ले लेता हूं, उसमें बाजरा, टोटा चावल कच्चा और देसी शक्कर, बस तीन चीजें, बाजरा चावल और देसी शक्कर, ये तीन चीजें ले लेता हूं, रावी के किनारे चला जाता हूं, जहां देखता हूं कीड़े मकोड़ों के बिल हैं वहां डालता जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकरी के पांच लंगर रोज चल रहे हैं, पांच लंगर, परिंदों का लंगर, ट्रकों के ट्रक आता है, दाना मकई ज्वार गंदम बाजरा, पहला लंगर परिंदों का, अपने पालतू नहीं, ऊपर छत पे बिल्लियों से माफूस, बिल्लियां होंगी तो कबूतर नहीं आएगा, एक दूसरा बिल्लियों का लंगर, और तीसरा इंसानों का लंगर, और चौथा कब्रिस्तान के कीड़ों मकोड़ों का लंगर, और पांचवां मछलियों का लंगर अकरी का साला साल से रोजाना चल रहा। और मैं समझता हूं मैं चलाकियों से नहीं, होशियारियों से नहीं, पीएचडी की डिग्रियों से नहीं, इन लंगरों की बरकत से मैं और मेरे बच्चे रोटी खा रहे हैं, मुझे इसका इतराफ है और 100% इतराफ करके ये लंगर चलाएं बेजुबानों का। मैंने ये पांचों बेजुबानों के लंगर, और सबसे पहले इंसान बेजुबान जो मांग नहीं सकता, मुझे बहुत बड़े मुल्क के साहब हैं, कहने लगे मुल्तान में एसपी है फलां, ज़कात निकालते हो, मैं क्या निकालता हूं, कहने लगे उसकी मदद कर फलां, अब रिटायर हो गए एसएसपी होके रिटायर हो गए, उसकी मदद कर, क्यों एसपी, कहना हां वो इस काबिल है कि उसे ज़कात दी जाए। मैं एक एसडीओ वापड़ा को जानता हूं, एसडीओ वापड़ा जो लोगों की घर में वायरिंग सर्विस और मरम्मत करके गुजारा करता है, यह भी सच्चा ताजर है। बरकत के दरवाजे खुलवाएं, और एक मेरी दरखास्त है, जितने हमारे ताजर भाई बैठे हैं, अपनी नस्लों को गरीब फकीर मंगता मुफलिस छोड़ के ना जाइएगा। आप कहेंगे ये मेरे बस में कहां है, फिर लफ्ज कहूंगा, अपने बच्चों को गरीब फकीर मंगता मुफलिस छोड़ के ना जाइएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो चैंबर के नाम के सिक्के थे, उनकी नस्लें आगे बस मैं बयान नहीं करता कि आज किस हालत में हैं। आप पूछें मुझसे कि तू फकीर आदमी क्या बात कह रहा है कि अपनी, यह क्या हमारे बस में है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास बंगले कोठी है, हमारे पास जमीन माल तिजारत है। मैं कहूंगा नहीं, गरीब होते पता नहीं चलता, फकीर होते पता नहीं चलता, एक पल के अंदर जवाल आ जाए पता नहीं चलता। अब इसका कैसे होगा कि अपनी नस्लों को फकीर गरीब ना छोड़ के जाए। एक तो ये पांच लंगर, जो इसमें से आपको मयसर हो वही मुअस्सर है, जो मयसर हो वही मुअस्सर है। एक तो पांच लंगर, मैं अभी सिंध के सफर में मंदिरों में बहुत गया, बहुत ज्यादा गया, वहां मैंने हिंदुओं को यह बताया, बड़े खुश हुए, कहने लगे कि हमारे धर्म में भी यही कुछ है, आपके धर्म में भी है, और कहने लगे कोई मुसलमानों का पहला कोई रूहानी पेशवा आया कि हमारे मंदिरों में आया है। रेड़की साहब का मंदिर राज अपना सरदार जी इतना बड़ा है कि बंदा गाड़ी में सफर करे, पौना किलोमीटर का ब्रिज है सिर्फ, डैरकी में, रेड़की साहब का डैरकी में इतना बड़ा मंदिर है कि उसमें हम पैदल नहीं चल सकते,
और इतना ज्यादा वहां बड़ा गौशाला है, बहुत बड़ा गौशाला है। फिर मैं थाना बोले खान गया, कोहिस्तान, सिंध का कोहिस्तान, पहाड़ी पहाड़ है थाना बोले खान, वहां समाधियां हैं और वहां बहुत बड़ा मंदिर है। फिर मैं परियालों में गया, परियालो पीर पगाड़ा साहब के जो मुर्शिद हैं मखदूम मोहम्मद इस्माइल साहब का मजार है वहां, बड़े सरकार शहनशाह थे, वहां के मंदिर में गया। वहां जब मैंने ये टोटके बताए, एक टोटका मैंने वहां बताया, गुरु नानक साहब का वहां कलाम पढ़ा जा रहा था, क्या रहीमा आप जरा सुनाए वो कलाम। या रहीमा या करीमा बादशाह तू गनी। अच्छा ये हो रहा था तो वो महफिल थी बहुत बड़ी, खवातीन और मर्द थे परियालों में, परियालो शिकारपुर सखर के साथ, तो मुझसे कहने लगे आप भी बात करें। उन्होंने हंस में मामूल अचरक डाली मुझे, मैंने एक टोटका बताया, मैंने कहा मेरा आजमूदा टोटका है, एक रोटी ले लें पर रोटी हाथ की मर्द की पकी हुई ना हो, औरत की हाथ की पकी हो, और अगर गैर शादीशुदा औरत की पकी हो तो ज्यादा तासीर है, उसमें सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लें। मैं तो गई थी पनिया भरन को, भला हुआ मेरी घाघर टूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला, और मैं तो गई थी राम जपन को, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं तो राम जपन से छूटी, मेरे सर से टली बला, और जप और जापा दोनों मरे, नारायण हरे नारायण हरे नारायण, कहते सुभान अल्लाह सुभान, हिंदी में सुभान अल्लाह को नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। मैंने उन्हें एक वजीफा बताया, एक रोटी ले लें और रोटी औरत की हाथ की, उसमें एक तस्वीर पढ़े, रहीमा रहम कर करीमा करम कर, और अपने मकसद का तस्वर सख्त हो, और वो रोटी खानी नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े भोरे करके वो परिंदों बेजुबानों को डालें, 11 दिन 40 दिन 70 दिन 90 दिन, ऐसी मुरादें पूरी होती हैं, ऐसी मुरादें पूरी होती हैं, ऐसी मुरादें पूरी होती हैं, कोई मंजिल कोई मुराद कोई मुश्किल, कोई जिंदगी की ऐसा बैरियल है, कोई ऐसी गलियां बंद हैं, रहीमा रहम कर करीमा करम कर, सिर्फ एक तस्बीह उस रोटी पे टुकड़े करके डाल दें, खुद नहीं खाना, खुद नहीं खाना। अच्छा मैं वहां एक मंदिर में गया तो खपरेल पड़ी थी, तो ये ठीकरी होती है, चूंकि मैंने कहा एक ठीकरी ले लें, वहां मैंने बताया, इसकी पोस्ट भी मेरे आपके सोशल मीडिया में है, उस पे 40 बार नून लिखे, किसी ने ये देखी, ये पोस्ट देखी किसी ने, देखी है, उस पे 40 बार नून लिखे, कोई कोरी ठीकरी ले लें, ठूठी ले लें कोरी, जिसमें ये खीर मिलती है, खीर मिलती है जी, जोटा होता है, बड़ा पुराना लफ्ज़ है, लफ्ज़ी खत्म हो गए, लफ्ज़ी मर गए, पुराने लफ्ज़ी मर गए, क्योंकि मैं छोटा मोटा शायर भी हूं तो इन लफ्जों के बारे में बड़ा हसास हूं। उस दिन एक बंदा मुझे कहने लगा हाज साहब, कहने लगे बिल्ले ला दो, ये लफ्ज फिर कह, लफ्जों में मजा है, जोटा। तो उस ठूठी उसके अंदर कुसे के अंदर आप 40 बार नून लिखें, ये वो बता बातें, नून वल कलम वमा यस्तरून, कुरान में है नून लिखें, और हुरूफ मुकत्तात में है, आप जाफरान से लिखें या जर्दे कलम से लिखें, उसे चाट लें या पानी में डाल के उसका पानी पी लें, हेपेटाइटिस दिल की बीमारियां और पुराने बुखार के लिए स्टैंप लगा लें इंशाल्लाह। मेरी आपसे दरखास्त है अल्लाह से बरकत मांगे, कसरत ना मांगे, कुत्ती कितने बच्चे देती है आज तक नजर नहीं आया, बकरी कितने बच्चे देती है, अल्लाह ने बकरियों के रेवड़ बना दिए, बरकत मांगे नस्लों तक बरकत चलेगी। मैं आखिरी एक वो आपने आते हैं उसने ब्रेक ऐसी लगाई है एक अमल बताता हूं बरकत के लिए, मैं ताजर हजरात को ये बहुत, और ये जिंदगी में एक दफा करना है, सिर्फ आप हैरान होंगे जिंदगी में एक दफा करना है, सिर्फ एक दफा जिंदगी में एक दफा करना है, और मेरे पास इसकी रिवायात के हवाले हैं, और अगर किसी ने इसके हवाले देखने हैं तो मेरा एक फेसबुक पे व्हाट्सएप पे पेज है अकाबिर पर एतमाद, उस पे किताबों के मेरे वजायफ के मेरे चीजों के बाकायदा हवाले हैं। अब वो अमल सुनिए, आप कागज कलम तैयार रखें और जुमे के दिन सिर्फ 35 बार कागज पे लिखें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह, क्योंकि हुजूर का कुरान में नाम अहमद, अम्मा ने अहमद रखा था, अब्बा यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, दादा मोहतरम ने वो मोहम्मद रखा था। ये कागज पे सिर्फ 35 बार लिखना है और जिंदगी में एक दफा का अमल है,
कितनी दफा? कागज पे लिखें और सिर्फ 35 बार लिखें और ये जिंदगी में एक दफा अमल करना है। क्या लिखना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूल, अहमद नहीं, अहमद, अहमद। अरबी में जेर जबर आते ही माना बदल जाता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदो रसूलुल्लाह। अगर 35 बार ये, शुक्रिया मैं ले लेता, अगर 35 बार ये कागज पे लिख लें, यानी ये एक दफा बना, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमद रसूलुल्लाह, एक दफा बना इस तरह 35 बार अगर कागज पे आप लिखें, जुमे की नमाज के बाद शर्त ये है, किसी से बात ना करें, बकिया नमाज पढ़ लें या फर्जों के बाद, बारह जुमे की नमाज अपनी जगह बैठे हुए कागज पे लिख लें, इस कागज पे खुशबू लगा लें, लेमिनेशन करा लें, इसको देखते ही अब रिवायात में जो इसके फायदे आए हैं वो मैं बयान करना शुरू कर रहा हूं, गिनते खुद जाइएगा। किसी की जेब में है? आपका घर में पड़ा हुआ, गाड़ी में पड़ा हुआ। अब आप इनसे पूछिए कि इसके कमालात क्या हैं, वो ये देखिए, ये पुराना हो गया, लेमिनेशन भी वो खस्ता हो गया, हाथ से लिखना है, फोटो कॉपी नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह, मेरे कमली वाले का फैज है। जो इसको देखते हुए, कागज को देखते हुए रिवायात में आता है, तुलूए आफ्ताब के वक्त दुरूद पाक पढ़ेगा, बस सिर्फ देखते हुए दुरूद पाक पढ़ेगा, फरमाया उसको एक लफ्ज है रिवायात में, मुतवातिर दीदार मुस्तफा नसीब होगा। एक फायदा, अगला फायदे का तवज्जो फरमाया, अगला फायदा यह है, जो इसको अपने पास रखेगा, छीना झपटी, गन प्वाइंट, इगवा बराए तावान, हाथ से, और ऐसा हादसा जिसमें हड्डियां, हड्डियां, अभी मेरा सहरा में हादसा हुआ, सोशल मीडिया में नहीं आया, 5 अमवात हुई है, गाड़ी रिवो थी, 0 मीटर थी, नई थी, तबाह हो गई, 5 गाय सामने आ गई। सहरा की आखिरी 0 लाइन पे जाता हूं, अमाल किए हुए थे, सारी गाय एकदम सामने आ गई, गाड़ी जा रही है, कुछ स्पीड में नहीं जा रही, ऐसे सामने आई और गायें ऐसे करते हुए 5 गाय खत्म हो गई। मैंने उनको पैसे दिए, उनका हक था, वो कहते पीर साहब, बल्कि वो कहते पीर साहब नाराज हो जाए, रोहेला पीर को बड़ा मानता है, कह रहे पीर साहब नाराज ना हो जाए, मुझे राजी करने आए, और किसी का एक नुकसान, और वो हैरान है कि एक भेड़ सामने अक्सर आ जाती है, वहां ये हादसा अक्सर होते हैं, गाय चीजें आ गई, कच्चे ट्रैक होते हैं रेत के, वो कहते होता है, पर अक्सर जाने हैं, गाड़ियां उलट जाती हैं, एक को कोई खराश नहीं लगी, उसकी बुनियाद 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, या हफीज और या सलाम, और बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके बारे में बता दूं, जो कहता है मैं 100 किलोमीटर चलूं और थकूं ना, वो ये दुआ पढ़ता जाए, अगर थक जाए, एक बुजुर्ग कहते हैं क्यामत आके मेरा गिरबान पकड़, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। तो मैं क्या बात कर रहा था, तावीज नक्श, उसको जेब में रखें, बरकतें हैं, अल्लाह ऐसी हादसों से बचाएगा जिसमें हड्डियां बच जाएंगी, अल्लाह बड़े हादसों छोटे हादसों से अल्लाह हिफाजत का, और अगर तकदीर में अर्शों से हादसा लिखा है लौह कलम में, अल्लाह किफायत और किफालत फरमा लेगा, अल्लाह हिफाजत फरमा लेगा। इस नक्श की तासीर, आप में से कोई इस नक्श की तासीर किसी को मिली हो तो हम जनाब साहिब सदर को और हमारे हमारे मोहतरम जनाब का नाम सफर साहब को बता दे, किसी को एक दो बस से मुक्त कर। दो साल आपका मेरे साया में हूँ, जब से मेरे कार्ड जेब में और जेब में रहता है, और मैं मांगता रहता था, किसी ने उधार मांगता रहता था, जब से मेरे जेब में डाला, अल्लाह ने ऐसे बरकत डाली मुझे, और मेरे जेब कभी खाली नहीं हुई। जी जी, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना हड्डी टूटी ना कोई तकलीफ है। और किसी को फायदा? मुख्तसर जी, अच्छा इस कार्ड से बरकत की राह खुलती। एक और फायदा जो रिवायात में आया है वो मैं बता दूं,
एक और फायदा बताऊं इसका, जो रिवायात में आता है वो गौर से पहले लफ्ज सुन लीजिए फिर आज करता हूं, तवज्जो फरमाएंगे बहने भी भाई भी तवज्जो फरमाएंगे। वो ये है, फरमाया अल्लाह उसकी बरकत में मदद दे। ये क्या है? अल्लाह उसकी बरकत में मदद करता है। वो वही है कि बाप किंग था, माल दौलत इज्जत वकार थी, और औलाद फक्र फाका गुरबत और मंगते बन गए। अल्लाह बरकतों को नस्लों में चलाएगा। देखिए, याद रखिएगा, दुआएं ट्रेवल करती हैं। कहते इस खानदान को किसी की दुआ है, इस बंदे को किसी की दुआ है, दुआएं पीछा करती हैं, बात दुआएं पीछा करती हैं। और अगर बरकत छिन गई तो जिंदगी में फक्र फाका गुरबत है। अल्लाह इस अमल की वजह से जो इसको लिखेगा अपने पास रखेगा, अल्लाह उसकी बरकत में मदद फरमाएंगे, उसकी बरकत में मदद फरमाएंगे। ये जिंदगी में एक दफा है। मेरा मशवरा है कि आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अब मैं एक क्रेडिट कार्ड देता हूं आपको, और वो आप ताजर जानते हैं, दुनिया के जहां जाएं पैसे नहीं है, कार्ड डाला पैसा छन 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 यूं आता है, कोई मुश्किल है नामुमकिन है। और कहीं माल की, बेटियों के रिश्ता, बेटी की जिंदगी तंग है, कहीं आप कोई घर चाहते हैं, इज्जत और वकार का मकाम चाहते हैं, राहत चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, कोई दफ्तर में काम अटका हुआ है, आप जिंदगी में कोई नाकामी में हैं और कामयाबी चाहते हैं, आपको दिल की मुराद जायज पूरी करना, बड़ा घर बड़ी सवारी, अल्लाह पाक किसी को अता फरमाए, अगर आप चाहते हैं, चाहते हैं, देखिए क्यों चाहते हैं, आपका हक कमली वाले ने दिया है, उसकी दलील देता हूं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, मौला दुनिया भी लाजवाब दे और फिल आखिरा, दोनों पैकेज दिए हैं, दोनों पैकेज दिए हैं, सिख मजहब में, ईसाई क्रिश्चियन मजहब में, दोनों पैकेज हैं, दुनिया भी आखिर। मैं हिंदुओं के यहां साधु बेले गया, दरियाए सिंध में एक जजीरा है, हजारों साल पुराना वहां मंदिर है, चाहते ही सैयद जीरकशाह मेरे साथ थे, सिर्फ खुर्शी शाह साहब के कश्ती में हम गए, शाह जी कहने लगे मेरी तबीयत खराब है, जीरकशाह खुर्शी शाह साहब के बेटे, कश्ती में हम साथ थे, साधु बेले में गए, मैं पहले भी गया था, उन्होंने सबसे पहले हमें जन्नत और जहन्नम दिखाई। कहने लगे हमारी हिंदू में ये आप कहते हैं ये नहर है, आप बोले सराब कहते हैं, उन्होंने एक नाम कहा, फिर जहन्नम का मंजर दिखाया, अजियतें दिखाई, जन्नत के मंजर दिखाए, नीमते दिखाए, बंदा है गिटार बचा रहा है, गिटार बचा रहा है, बंदा है मजे ले रहा है, पर ये जन्नत है ये जहन्नम है, ये कायनात के दोनों पैकेज हैं, दोनों पैकेज हैं। अगर आप दोनों पैकेज लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा अमल देता हूं। देखिए कोई भी अमल ना अपने तजर्बे की बुनियाद पे तासीर पाता है। ये मैंने किया, उसने कहा मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोशल मीडिया फेसबुक की रीच हर महीने करोड़ों की है, पूरा वर्ल्ड है, हर मसलक हर मजहब हर रंग हर फिरका, एक अमन और मोहब्बत और लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। देखिए खास तौर पे एक बात मैं जरूर कहूंगा, दुनिया मसाइल सुन सुन के थक चुकी है, अब लोगों को मसाइल का हल चाहिए, आप दे दें, वरना शिर्क और गैरुल्लाह की राहें मौजूद हैं, कमली वाली चौकट मुस्तफा से दे दें, मैं आपको सच कह रहा हूं, चौकट मुस्तफा से दे दें, वरना और राहें मौजूद हैं, दुनिया भी बिगड़ जाएगी आखिरत भी बिगड़ जाएगी, मौजूद हैं। मेरा ये एक मिशन है, इसमें 100 खामियां 100 गलतियां जिसका मुझे दावा नहीं है, लेकिन इंसानियत को नफा हो रहा है, चंद लोगों को फायदा हो रहा है, 4 लोग हैं जो मेरे पैगाम को सुन के नफा पा रहे हैं। 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ें किसी वक्त जब आप तन्हा हो। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। कल राजा बाबर का फोन आया, मैं कमिश्नर लग गया हूँ इनकम टैक्स का रहीम यार खान में, पोस्टिंग हो गई है, क्या करूं मैं, लाजवाब सहरा में भेजूंगा, एक अमल कराऊंगा आपको। राजा बाबर नेक आदमी है, कहने लगे मैं कमिश्नर की पोस्टिंग होगी है मेरी इसमें रहीम यार खान में, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा वहां इस्तकबाल करेंगे हमारे हाजी अरशद साहब है, उनका टाटा का बहुत बड़ा शोरूम है, आपको डीप डेजर्ट ले जाएंगे, मिट्टी का कूड़ा साथ लेना, आटे का पेड़े साथ लें, गोलियां बनाते जाएं, अमल करते जाएं, कूड़ा रख के वहां आ जाएं, फिर बहारें और बरकतें देखें। और ये आपके लिए भी है अमल, सिर्फ राजा बाबर के लिए नहीं।
दो रकात नमाज नफिल हाजत के, दो रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़ के, और तीन दफा सूरत यासीन पढ़ लें। याद है याद पढ़ लें, देख के हैं देख के पढ़ लें, गिड़गिड़ा के तवज्जो से यकीन जान। मुझे सिंध में एक हिंदू मिला, उसे कहना है मुसलमानों को आप नहीं रोकते, ये हमसे काला जादू करवाने आते हैं, और मैं जब परेशान होता हूं पढ़ता हूं ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। एक आमिल मिला मुझे अभी उमरकोट में, भगवान दास मेरे साथ था, और उसने बहुत बड़ा अवार्ड लिया है, बहुत जबरदस्त प्रयास, मैं वो बहुत बड़ा आमिल है, और कॉमिस्ट्री और वगैरह वगैरह इसके कुंडलियां बनाता है जिसे हम जैचे वगैरह कहते हैं, उमरकोट में मेरे साथ था और उसने इस्तकबाल किया। वो भी कहने लगा कि आप इन्हें नहीं कहते मुसलमानों को कि हम मुसलमानों के कलाम टोट के इन चीजों से फायदा पाते हैं, और मुसलमान हमसे कहते हैं कि हमारा काला जादू कर दो। क्या इस्लाम और कमली वाले का पैगाम नामुकम्मल है? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं, हर चीज मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है, जामे है, अजमल है, मुकम्मल है। दो रकात नमाज नफिल हाजत के किसी वक्त तन्हाई हो किसी वक्त पढ़ के, और उसके बाद तीन दफा सूरत यासीन। ये वो नफिल हैं जो जिंदगी में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। इतने रिजल्ट हैं मेरी अपनी के सोशल मीडिया पे, आप ये नफिल सर्च करें, आपको दुनिया बताएगी कि उनको क्या मिला, उनके क्या मसाइल हल हो, उनकी क्या मुश्किलें और उनके क्या नाकामियां कामयाबियों में बदली, और नामुमकिन कितना मुमकिन हुआ। मैंने इसका नाम क्रेडिट कार्ड, और वैसे ये लफ्ज़ क्रेडिट कार्ड तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है इसके सामने, चूंकि मिसाल से बात समझ आ जाती है, इसके सामने एक छोटा सा लफ्ज़ है। इधर से कानों में राजा साहब की आवाज आई तिब्बी टोटकों पे, 10 मिनट बाकी हैं, तिब्बी टोटका बयान करता हूं। तारा मीरा के बीज एक पाव, इस सब गोल आधा पाव, जनाब वकील साहब, सरसों तारा मीरा के बीज एक पाव, और इस सब गोल साबित एक छिलका होता है, मरहबा का छिलका आपका वो ना साबित है, सब गोल अब क्रीगा भी छिलका वो भी ना साबित है, सब गोल आप पत्थर कंकर है साफ कर लीजिए डब्बे में डाल के, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम। जो शख्स कहते हैं ना कि मुझे डिप्रेशन एंजाइटी ने आखिर अधमुआ कर दिया है, उसको एक चम्मच सुबह शाम देखे देखे तो सही। जिसके नाखून बड़े हुए हैं, जिसके बाल बड़े हुए हैं, वो लेटरिन में जाता है, वो अंदर से निकलता नहीं, वो बिस्तर में बदबू है, बेशुमार पेशेंट रोजाना मुलाकातें करते आते हैं, उनसे कहें कि एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम एक फायदा। जो शख्स ये कहता है कि खाना खाता हूं यहां रहता है और हमारी खानदानी बवासीर है खून आ रहा या पादी, और जो शख्स ये कहता है कि चेहरे में कभी दाने ना हो, फुंसियां ना हो, खारिश ना हो, चंबल ना हो, एक्सीमा ना हो, दाग ना हो, और जिल्द की कोई बीमारी ना हो या है तो खत्म हो जाए, उसे कहें ये टोटका एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम इस्तेमाल करे, या तीन बार खाने के साथ तारामीरा के बीच, और इस सब गोल साबित जबरदस्त चीज है मेदे के लिए, मोटापे के लिए, जिस्म के लिए, आसाब के लिए, और खून के लिए, कोलेस्ट्रॉल यूरिया यूरिक एसिड उठा के यूं फेंक देता है। मैं कहता हूं जो आप बड़ी बड़ी दवाएं खाती हैं, हर इलाज सुन्नत है, एलोपैथी होम्योपैथी जड़ी बूटियां, हर इलाज शफा है, किसी इलाज थेरापी का हम इनकार नहीं कर सकते, पर यह एक फितरी चीजें हैं। देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त पूरी दुनिया फितरत की तरफ लौट रही है, चमड़े को लेदर कह दिया और सूत को कॉटन कह दिया, कारपेट फिर उठ रही है, पर्दों के ऊपर डस्ट आ रही है, फिर से कहानी बदल रही है, मिट्टी चांदी सोने सोना नहीं तो चमड़ा, चमड़ा नहीं तो तांबा, इसके बर्तन वापस आ रहे हैं, हम फितरत की तरफ ऑर्गेनिक के नाम पे हम वापस लौट रहे हैं, लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। याद रखिएगा, अगर फितरत की तरफ वापस लौटना है, ये मैं आपको फितरत के दो बीज बता रहा हूं, अपनी जिंदगी में तारा मीरा और इस सब साबित। मेरे पास एक साहब आए, उनकी किसी महकमे के थे, उनकी प्रमोशन ना हुई, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, प्रमोशन के सारे उनके शवाहिद मौजूद थे, हर चीज, बस कल उसने बैठना है चीफ ने और मेरा यूं कर देना है,
प्रमोशन ना हुई, बहुत डिप्रेशन में चले गए। मैंने उनके लिए दो चीजें तजवीज की, एक रोना। क्यों कहते हैं मेडिकली सहबे इल्म बैठे हैं सारे, ये बच्चा रोया नहीं था पैदाइश में, इसलिए इस पे ये गलतियां, गलतियां से मुराद ये बीमारियां, ये तकलीफ। रोना जिंदगी है, रोना जिंदगी है, इसलिए कहते हैं जिसकी फौत की हो जाए अगर वो नहीं रहा उसे रुलाओ, वरना ब्रेन है रख फट जाएगी या किसी बीमारी में मुबतला हो जाएगा। मैंने कहा तनहा ना तू चला जा, तनहा, और तनहा जाके ना किसी कमरे में ऐसे झोली उठा ले और अल्लाह पाक से बातें कर और रो और फिर चीख तेरी आवाज कहीं ना निकले और अल्लाह से कहे और अपने दुख अल्लाह को सुना। मखलूक को सुनाएगा तो मखलूक मजाकें करेगी, अल्लाह को सुनाएगा अल्लाह खुश होगा। एक रोना मैंने उनसे आज किया कि एक रोना और दूसरा ये तारा मीरा के सब वो, बस मैंने कोई वजीफा नहीं बताया। मैंने कहा तेरी जुबान हिंदी है या सिंधी कोई है, अपनी जुबान में अल्लाह से बातें कर और इतनी अल्लाह से बातें कर, इतनी अल्लाह से बातें कर, इतनी कर तुझे रोना आए और रो। और सुबह दोपहर शाम एक चम्मच ये आपस में मिला हुआ इसबगोल और ये तारा मीरा ये इस्तेमाल कर, यकीन जानिए वो कहता था मेरा कोई इलाज नहीं है, मेरा कोई इलाज नहीं है, बेबस हो गया हूं, मुआशरे से कट गया हूं, इतना बड़ा नाम था और खत्म हो गया। आज वो सेहतमंद जिंदगी, लाजवाब जिंदगी। और मुझे उस दिन मिले कहने लगा अच्छा वो मेरी प्रमोशन नहीं हुई, अल्लाह ने आपके उस वजीफे से वो वजीफा भी बता दूं, वो वजीफा यही या कादिर या नाफे। 45 बार जो मैंने अर्ज किया, मैंने तो सारा दिन पढ़ खुदा पढ़ और 129 बार सूरत कौसर पढ़, रब तुझे वो देगा जो तू सोच ही नहीं सकता। आज वो पाकिस्तान के मालदारों में, खुशहाल लोगों में, सेहतमंद दिल, सेहतमंद आंखें, सेहतमंद चेहरा, सेहतमंद नींद, सेहतमंद कलाम और सेहतमंद जिंदगी। या कादिर हो या नाफे हो, तारा मीरा इस सब गोल, यकीन जाने ये जिंदगी है। ये पीसे अगर पीसे जहर बन जाए पानी के साथ, खाने से एक घंटा पहले या बाद जब आप सहूलत हो, खाली पेट हो तो बहुत फायदा हो। एलर्जी, दाने, स्किन, कोई मसाइल है जिंदगी के, आप यही चीज बिला तकल्लुफ इस्तेमाल करें। और सबसे बड़ी बात यह है कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई सवाल आप में से? एक बच्चों की लुकनत को दूर करने का तरीका, सूरत अलम नशरा, सिर्फ 11 बार सूरत अलम नशरा। और एक टोटका बताता हूं जो बच्चे बोलते नहीं जिनको लुकनत है, पाक शफाफ कुंडे के अंदर पानी रख दे, साफ कुंडे के अंदर, और दूसरे बर्तन के अंदर दाना रख दे परिंदों का, उधर से परिंदा दाना खाएंगे, उधर पानी पिएंगे, चिड़िया वगैरह पानी पिएंगे, ठीक है। वो पानी जूठा बच्चे को एक दो कतरे आधा चम्मच पिलाएं, हलाल का जूठा हलाल होता है, हलाल का जूठा हलाल होता है। मुझे एक बंदा कहने लगा और पिंडी में, कह रहे बच्ची नहीं बोलती, मैं कहा ली कर बोले सी देखे तो सही कवे की तरह, अब वो क्या चुप नहीं करती बोलती नहीं थी आज साहब। ये और कुछ सवाल हम सब, आपने बहुत अच्छे बताए हैं, अमलियात बताए हैं जो कि 100% फायदा दे रखे हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप जब सुबह उठते हैं और सारा दिन आप किस तरह से अपना गुजारते हैं, माशाल्लाह इतना बावना चेहरा खूबसूरत, आपकी जिंदगी का दिन किस तरह शुरू होता है और किस तरह खत्म होता है? मेरी 66 की पैदाइश है, 57 साल में जा रहा हूं, ठीक है जी। मैं अर्ज कर देखिए जी, मैं अक्सर बाबरपुर का हूं, अबाव अजदाद अब भी वहीं घर है अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार जी आए हैं वहां, इनके लिए सब्जियां गोश्त नहीं, और हिंदुओं के बड़े आते हैं, क्रिश्चियन के बड़े आते हैं, मुसलमानों के बड़े आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा घर है, मेहमान नवाजी है। सबसे पहले तो चीज है कि क्या आप जल्दी सोते हैं? साइंस कहती है कि एक निजाम है जो आपका चलना शुरू हो जाता है, कहते हैं मुझे आराम चाहिए, क्या आप जल्दी उठते हैं? दूसरी चीज यह है कि दस्तरखान पे कंट्रोल है, यह हाथ है ना बड़ा खतरनाक है। पहलवान वो कहते हैं बेहतरीन है जो गुस्से में, मैं कहता हूं अगला पहलवान मेरे आका का फरमान है,
मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। दूसरा पहलवान वो है जिसकी दस्तखान पे कंट्रोल है। अच्छा, एक चीज और है, मुझे एक साहब है, बहुत अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, कहने लगे एक मुल्क में हम गए, हमारे एक दोस्त को दिल का दौरा, उधर लेके भागे, उधर लेके भागे, उधर लेके, कहीं अस्पताल नहीं है, कार्डिक यूनिट, कोई हॉस्पिटल, कोई दिल का डॉक्टर, कुछ भी नहीं है। पूछा क्यों, कहा पूरे मुल्क में बेकरी नहीं है, फास्ट फूड, मसनू गिजाएं। मैं तुर्की के सफर में अभी भी गया हूं, एक दफा पहले भी गया था, ज्यादा नहीं गया मैं, अब वहां फास्ट फूड दाखिल हो रही है। अभी उम्रे पे जाना हुआ तो गारे हिरा में मैं और बेगम बैठे थे, मैं क्या, हम बूढ़े हो गए हैं, जवानों को तुम जाओ आखिर में, हमने जवानी में देखा। अच्छा, वहां ना तुर्की खवातीन आई, मैं ये तुर्की खवातीन है, बूढ़ी, ऐसी लाठी उठाई हुई, और वो जा रही है, और मैं शर्मिंदा यूं होके बैठा हूं, 80-90 साल की बूढ़ी खवातीन, क्यों, उनकी जिंदगी में टमाटर, सब्जियां, ये सादा गिजाएं, ताजा गिजाएं उनकी जिंदगी में। मैं एक टोटका बताता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में खाने के बाद 1 से लेकर 5 टमाटर खा लें, खाने के साथ, खाने के बाद, लेकिन पके हुए नहीं, कच्चे, आप उस दिन अपनी फिटनेस देखें। और इसके और हैरत अंगेज फायदे हैं, टमाटर जो है ना, टमाटर, कच्चे टमाटर, ये घरेलू झगड़ों का भी इलाज है, बहुत जबरदस्त है। आप बताएं आपको फायदा हुआ सरदार जी, 80 बैठे खाना खा रहे सर, आप जरा स्पीकर के थोड़ा सा आप तो असेंबली में बोलते हैं, यहाँ भी वही मालिक है जी, मैं ते हजरत सपुल जो कर गए ते खाना खाता ते असी नॉर्मली रहता खाने तो पहले खा रहे थे, ते हजरत ने खाने तो बाद रहता इस्तेमाल किया, ते इन्होंने कहा थी कि तुसी जिस टाइम खाना खा रहे हो खाने तो बाद तुसी दही खाना है, और उस तक तुसी देखोगे कि तुहाडा स्टमक का इशू है या कुछ होर बीमारी, और वाकई में शुरू किया है वो मेरे शुरू करने के बाद पूरी फैमिली ने उसने किया और उसका बहुत फर्क आया। सो जिस तरह टमाटर की गल कर टमाटर के नाल खाने तो बाद नहीं जी, मुंह में जो आपकी लुआब आ रहा है उसको भी कंट्रोल कर उसका मजा भी ले रहे हैं आप। खाने के बाद दही, उसमें पुदीना हो, सफेद जीरा हो, उसमें काली मिर्च हो, हल्का नमक हो, ज्यादा नमक ना हो, वो आप ले लें 3 चम्मच 5 चम्मच प्याली। मियां तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे मोहसिन थे, हम जब कहीं दावत में जाते थे, कहीं कभी कभार, मैं पीर ऐसा हूं जो कमजोर हूं दावतों में नहीं जा सकता, जाते थे तो मैं मियां साहब के लिए गिलास भर के रायते का रखता था और मियां साहब मेरे लिए भर के रखते थे कि खाने के बाद रायता जरूरी है और रोग रायते को छोड़ के। सरदार शमीम खान साहब चीफ जस्टिस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बिलगेट के, उनसे हमारा खानदानी ताल्लुक है। अभी अल्लाह ने उन्हें 64-65 साल की उम्र में बेटा दिया, तो उनका अकीका था कि पिछले हफ्ते मैं सरदार साहब के यहाँ बैठा था, तो सरदार साहब के यहाँ ना, सरदार शमीम खान के यहाँ चंद मेहमान थे, तो वो आया सूप मेरे सामने आया तो मैंने हटा दी, सरदार साहब ले गए, मैं कहा सरदार साहब ना पिए, कहना भूख बढ़ती है, साथ एक बैठे थे, कह रहे अब दुनिया बदल गई है, आधा खाना इसी से मर जाता है बंदा, ये सूप दिया इसलिए जाता है। वो केटरिंग वाले मेरे कुछ ताल्लुक वाले हैं, उन्हें कहा ख्याल करना सूप ना पीना, ये जो पहले सूप आता है आधी भूख ही, कहना हमने अगर देखते हैं कि बंदे ज्यादा हो गए हैं और खाना थोड़ा है तो हम पहले सूप फर्क करते हैं। अपनी जिंदगी में सादगी और सेहत के लिए एक बात अर्ज करता हूं, हमारे मोहतरम ने सेहत का पूछा, इस वक्त तक तो अल्लाह के फजल से कोई रोग नहीं लगा, एक सेकंड का पता नहीं, उठा के परे फेंक दे वो करीम, चलाकी उसे नहीं उसकी राहत से होता है। मैंने 2020 में सब कुछ बंद था, टीवी में मेरे जो प्रोग्राम चल रहे थे वो मुझे तारीख याद नहीं, रमजान में मैंने 2 प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए थे, सूरत फातिहा जिसके खाने के दौरान सिर्फ 7 बार पढ़नी है, वो पता नहीं मुझे तारीख कौन सी है, वो मैं सिंध के सफर में मैंने इस अमल को तलाश किया, वो अगर आप प्रोग्राम सुन लें, सिर्फ 20-21 मिनट का प्रोग्राम चलता था, खाने के दौरान सिर्फ 7 बार,
खाना खा रहे हैं, बल्कि आठ और नौ रमजान 2020 ये अकरी के सोशल मीडिया में ये चीज मौजूद है, अकरी आठ नौ रमजान वो प्रोग्राम अगर आप सुन ले, खाने के दौरान खाना खाते ही हत्ता के यहां तक फरमाया कि खाने के दौरान अफसुर्दा बातें ना करें, मोहब्बत की बातें करें, चुप करके खाना हरगिज ना खाएं, बिल्कुल चुप करके खाना ना खाएं, मोहब्बत प्यार उल्फत की हलाली हजूमर बैठे थे एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, खाना खा के खजूरें उनके सामने रख रहे हैं कि इतनी खजूरें खा ली, हंसी मजाक मोहब्बत की बातें। खाने के दौरान अगर सात बार सूरत फातिहा पढ़ें, खाने के दौरान अगर सात बार सूरत फातिहा पढ़ लें, आप बस इतना लफ्ज कहूंगा, मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा, मैं जब फिक्र कहने लगा हूं जनाब की खिदमत में, सात आसमानों और सात जमीनों का शिफा का सारा निजाम आपके साथ, सात बार खाने के दौरान सूरत फातिहा, वुजू बेवुजू मुझसे कहने लगे कि मेरा इतने किलो 24 किलो वजन कम हो गया आपके एक टोटके से, वो है खाने के बाद तीन बार सूरत कुरैश, सिर्फ खाने के बाद तीन बार सूरत कुरैश। आप मेंबर हैं चैंबर, मैंने आपकी खिदमत में हमारे मोहतरम ने फरमाया कि इनका कोई कारोबार है जिसमें वेस्ट जागता है वहां रात यहां दिन वगैरह, इसका क्या किया जाए। मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक छोटा सा लफ्ज है, सारी उम्र इज्जत वकार शान और शौकत के लिए कमाते हैं, एक वक्त आता है वही कमाई सेहत के लिए लगाते हैं, इसको सोच लें। दुनिया का लाइलाज बस है शिवरिंग, जिसमें इंसान जो है कोई चीज कब तक नहीं पकड़ सकता, निवाला तक नहीं ले सकता, काले चने भुने हुए, और कभी भी चनों का छिलका ना उतारिएगा, मेरी मिन्नत है, ना 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 ना। देखें हॉर्स पावर, अंग्रेज ने हमारी ताकतों का मियार घोड़े को मुकर्रर किया है, और घोड़े की गिजा चना है, हाजी खालू साहब घोड़े की गिजा जना वाला क्या है, चना। जब एहतियातन अब्बा जी फौत नहीं होते थे, अब्बा जी एहतियातन फौत नहीं होते थे, मुगल बादशाह की बात कर रहा हूं, नाम नहीं लेता, तो अब्बा जी को एहतियातन कैद कर दिया, अब्बा जी ने कहा बेटा चलो मुझे कैद कर दिया, तू सहदी पे आ गया, बख्त पे इक्तदार पे आ गया, दो काम तो कर दे, बच्चे दे दे मैं बच्चे पढ़ाता रहूंगा, और चने दे दे चने खाता रहूंगा। कहने लगा अब्बे से अभी बादशाहत नहीं गई, बच्चों पे बादशाहत करेगा और शाही खाना खाएगा। अब्बा जी फौत नहीं होते थे एहतियातन, तो अब्बा जी को फिर कैद कर दिया। जी आप सफर ने आपने कमल बताया था सूरत कुरैश का, इल्ला भी कुरैश का ना, वो मैंने पढ़ी, और उसके बाद मेरे कारोबार की जो बंदिश थी, जो मसले थे, जो मसाइल थे, वो सारे मैंने खुलते देखे, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बिल्कुल क्लियर ठीक हो गया। सूरत कुरैश, मेरी आपसे दरखास्त है। जी जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, ना सिर्फ हमारा दुनियावी चीज़ें तो एक तरफ है, लेकिन जो मैंने, क्योंकि मैं हाफ़िज़े कुरान भी हूँ 43 ईयर्स, ये बताने का मकसद ये नहीं कि कोई मैं अपना तरावी भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो तब्दीली हजरत के साथ लगने से 25 ईयर्स के बाद मेरी रूहानियत और दूसरी चीज़ें जो मेरे साथ हुआ, बल्कि कईयों को मैंने देखा है कि उनका ताल्लुक अल्लाह पाक से ऐसा मजबूत होता चला गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको इसलिए ये बताया कि हाफिज होने के बावजूद पहली ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी 25 साल की मेरे सामने है, तो हजरत जी के साथ रहने से दो फ़ायदे हुए हैं बहुत ज़्यादा, कि हमारा ताल्लुक तस्बीह से और मुसल्ले से कायम हो गया,
तस्बीह से और मुसल्ले से कायम हुआ। ये मैं आपको बड़े मैं ना बताता ये 43 ईयर और 40 ये सिर्फ इसलिए बताया कि ये फ़र्क आया मेरे अंदर। मैं पिछले 25 ईयर से मुसलसल ट्रैवलिंग में हूँ, सारे जो मुझे लोग जानते हैं उनको पता गया बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। आपको मुल्क फिरने का शौक बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। दिल्ली के इनके बड़े नवाब थे और 16 कनाल में रेस कोर्स का घर था ये साहब, इधर से चौथा घर है 18 कनाल का, इधर से 18 कनाल का। तो वो ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है, अब तो थोड़ी कम होगी। तो हजरत जी ने जब पहली दफा मैं जा रहा था, यातन शुगर हो गई इसलिए हजरत जी ने एक तो मुझे ये जब चाइना में सफर शुरू किया बिजनेस के हमारा मोबाइल एक्सेसरीज का, तो हजरत ने फरमाया कि आपने जब भी जाना है, एक तो ये आप लोगों के लिए भी है, जो भी ताजिर हजरात बैठे हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि जब भी आपने किसी मुल्क में सफ़र करने के लिए जाना है, एक तो उनके लिए मुसलमान भाइयों के लिए कोई हदिया लेके जाएं, मिसाल कोई मिसवाक ले जाएं, कोई तस्बीह ले जाएं, कोई कुरान, क्योंकि उस वक्त 25 ईयर्स बिफोर वो न्यू विंडो आई थी तो वहाँ कुरान पाक की कमियाँ थी। हजरत जी ने फरमाया कुरान पाक लेके जाएं, एक तो ये वो किया। उसके अल्लाह ने बड़े असरात, जब नमाज पढ़ते थे गांजू में बड़ी सारी चाइना में, तो जब किसी को मिसवाक देते थे बहुत खुश होते थे, ये पुरानी बात। तो इसी तरह कहा, एक और अमल बताया, वो सारे ताजिर हमारे साथ हैं तो ये ज़रूर ज़रूर बज़रूर करें, उसका बहुत फ़ायदा। हजरत जी ने फरमाया आप जहाँ भी नमाज पढ़ें वहाँ पहले अजान दें, कोई हो या ना हो, आप अपने होटल के रूम में खिड़की खोल के अजान दे दें और नमाज पढ़े, अजान के बगैर ना पढ़े अजान, उसके बड़े फायदे हैं। वो लिख टाइम बहुत मुख्तसर है किताब। मैं एक बात हफ साहब से अर्ज की थी, हफ साहब जिस मुल्क में जाएं, हफ साहब वेस्ट के मुल्क में आज वहां होते हैं कल वहां होते हैं, कहते मुझे दुनिया फिरने का शौक है। मैंने इनसे एक बात अर्ज की थी कि वहां के गैर मुस्लिमों के लिए आपके दिल में खैर खाई का तस्म। ये हाँ, ये एक और बताया था, मैं कहा किताब बन जाए। अदर ने फरमाया था आप जितने गैर मुस्लिमों को देखें, आप दावत ना दें उनको, कुछ ना करें, दिल में उनको देखते हुए ये पढ़े या हादी हो या रहीम हो कि अल्लाह तो खैर खैर का हिदायत दे। अच्छा, का जज्बा ना हो, एक अमल ये बस मुख्तसर। अच्छा, देखें मुंह पे तो हम एक दूसरे से मिले, पर याद रखिए अगर दिल को दिल से राह होती है, अगर दिल में नफरत हुई और दिल में कदूरत हुई तो नफरतें मुंतकिल होंगी। और ये सूरे कुरैश का अमल है, 7 दफा सूरे कुरैश का अमल दिया था आपको, मैं बिलीव करें मैं बता नहीं सकता, मेरे साथ ऐसे ऐसे एयरपोर्ट्स पर और दूसरी जगहों पर ऐसे ऐसे वाकियात हुए कि इम्पॉसिबल था, वो उनके कानून में ही नहीं था। और किसी का सवाल तो अल्लाह पाक ने उसमें बहुत फायदा दिया। आदम हुसैन साहब से आखिरी सवाल, आदम साहब आपका आखिरी सवाल। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। हजरत साहब को आज हम अपने इस फोरम पे खुश आमदीद कह रहे हैं। हजरत साहब से मेरा साथ जो है 22 साल हो गए, हम हमसाये भी हैं, तो मेरी हमसायागिरी में ये लगाए कि अल्लाह ने इनके कलाम में इनके जो इक्तफासात हैं उनमें ऐसी तासीर रखी है कि कोई भी जगह, अब मेरे मोहल्ले में जब इनका दर्स होता है खासतौर पे आजकल जो है जुमेरात को भी इतवार को भी, तो कोई भी पूरे इलाके में इतना जमे गफीर रहता है, उससे अंदाजा होता है कि लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है किस किस्म का, या हजरत साहब का जो है ये उनको इस्तफादा जो है हासिल हो रहा है। तो मैं मुख्तसरन ये कहूंगा कि मेरे लिए मेरे मोहल्ले के लिए एक जो है रहमत एक नूर का जो अमल है वो हजरत साहब की वजह से है, जो मेरे साहिगिरी में भी है, ये मुझे भी शरफ हासिल है। मैं एक सवाल जो है हजरत साहब से करूंगा, क्योंकि पूछा गया था कई लोगों के साथ, मुझे भी ये एक कन्फ्यूजन है कि तस्बीह जब की जाती है जिक्र किए जाते हैं तो तस्बीह में कुछ लोग कहते हैं कि दाने को पकड़ें तो बाहर फेंके तब आपके लिए बेहतर होगा, कुछ कहते हैं अंदर को जो है इसको रखें तो तब अमल होगा, ये इसका क्या अमल है, सिर्फ मेरा ये सवाल है। इंसान के जज्बे और सोचे ना उसके मुताबिक फैसले होते हैं, जज्बों और सोचों के मुताबिक। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं जिनकी मुस्लिम शरीफ है, मैंने 400,000 हदीसें जमा की, फिर 400,000 हदीसों को 4 हदीसों का नचोड़ दिया और हर हदीस 100,000 पे गालिब है। उनमें पहली हदीस ये है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपके अमलों का ताल्लुक नियतों से है। वो तो बंदा जो जज्बा रख ले, हर जज्बे में खैर है, असल तस्बीह है। पर एक तस्बीह के बारे में एक बात कहूं, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया और की लैणा तस्बीहां हाथ फड़ के हो, चिल्ले किते पर रब ना मिलिया और की लैणा चिलियां चवड़ के हो,
भुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावे लाल होवे कड़ कड़ के हो किसी फकीर दरवेश की निस्बत के बगैर, भुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावे लाल होवे कड़ कड़ के हो। हमारे हाई साहब माशाल्लाह जिक्र करने वाले मेरे नेक पड़ोसी हैं, सखावत में अल्लाह ने इनको बहुत हाथ कुशादा। हाई साहब तस्वीर आगे आए अब उसका नाम है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस आपकी इजाजत से मैं विक्टर साहब को भी दावत दूंगा कि प्लीज अपने ख्याल का इजहार करें। सबसे पहले मैं आदम साहब, हकीम साहब और मैं हम पड़ोसी तकरीबन रोज ही मुलाकात और जब नहीं होती तो उनसे मैं पूछता हूँ कहाँ रहते हैं, दिल में परेशानी होती है। हकीम साहब से भी मिलना कोई आसान काम नहीं, इनकी बड़ी मांग है। मुझे मुल्तान से दो तीन औरतें आईं, कहने लगे जी हकीम साहब से वक्त लिया था, हकीम साहब पड़ोस में रहते हैं आप, मरीज हैं या जो भी हैं आते हैं, हमें तो 3 साल हो गए वक्त नहीं मिला। मैंने कहा मैं उनका कोई सेक्रेटरी तो नहीं हूँ तो मैं कोई लिख के आपको दूँ, आपको कैसे पता लगा मेरी बात मानेंगे। जब मैं कोरोने से अस्पताल से अपने घर आया तो बिल्कुल स्केलेटन था, खड़ा नहीं हो सकता था, बैठ नहीं सकता था। हकीम साहब उसी दिन आए और 10 दिन मुतवातर मेरे पाँव की मालिश करते थे। मैंने कहा हकीम साहब पीर तो मैं बन जाऊंगा, जो लोगों ने देखा उन्होंने वीडियो भी देखी। कहने जी हम हकीम साहब तो आपके पाँव की मालिश करते आपको टाइम नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा पा। हकीम साहब से मेरी रूहानी तक जब मैं नहीं देखता नहीं मिलता एक दूसरे से पूछता हूँ तो ये खुद ब खुद ही आ जाते हैं। मैं फख्र करता हूँ कि हम तीनों उस जगह रहते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत समझते हैं, जानते हैं और प्यार करते हैं। दूसरी बात जो आपने शुरू में की, द कंट्री इज पासिंग थ्रू इकोनॉमिक डिप्रेशन, दिस वॉज द subject. You people are most responsible because you are in the chamber, you are the traders, you are controlling the trade of the whole country. Find out some solution. गरीब आदमी पिस चुका है, उसको समझ नहीं आती क्या किया जाए। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो क्यों करती है, कैसे करती है। आई थिंक God has given me a chance to talk to you, president of this chamber. Get together, all the traders, in Lahore, in Karachi, wherever you are. Find out some solution, and there will be a solution. There is a solution. But we have not given direction to that. God bless you. हजरत हुक्म है पंजाबी च गल करा, मैं पंजाबी च गल करा। हजरत नाल जिहड़ा एक रिश्ता तालुक बनिया वो तालुक मेरे वड्डे भाई ज्ञानी गोबिंद सिंह जी के नाल करतारपुर साहब की धरती से बनया, असलों तशरीफ लिया है। और असी जो दुआ करते हैं तो दुआ दे विच आखिर असी एक आखिर कहने असं भी कहते गुरु ग्रंथ साहब है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाड़े सरबत दा पला। ये या अल्लाह मियां तेरे नाम से पूरी कायनात का सुख हो, कायनात का भला हो। सो हजरत जिस तरह फरमा रहे सन, हजरत सरबत के पले की गल करते, हजरत सारे नाल लैके चल की हो किसी तरह मनण आवन या किसी तरह ना मनण आवन, क्योंकि ये हल्की खुदा के नाल प्यार करते। सो मैं अपने आप में बड़ा खुशकिस्मत समझदा कि वह हस्ती जिन्होंने लोग मिलने वास्ते 2-2 साल 3-3 साल तो तरस दिन, और हजरत हमेशा प्यार बख्शे है। आप फोन करके जो एक होता ना जी स्पिरिचुअल
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਕੋਲੀਗ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਲ 'ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੋ ਆਪ ਸੁਬਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਲੈ ਲਓ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਕੌਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਫੱਲੇ ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਜਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਪਜੇਗਾ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਵਿਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਜ਼ਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੋ ਸੋ ਹੈਟਸ ਆਫ ਯੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇ ਕਹੂੰ ਕਿ ਆਖਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦੀਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਲਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੂੰ ਕਿ ਇਨਕੀ ਵਸਾਤਤ ਸੇ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇਗੇ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ 14 ਜਨਵਰੀ ਕੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਿਆਂਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਰੱਖੀਏ ਹਮ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਨਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰਸ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਵੋ ਕਹਤੇ ਜੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕੁਛ ਅਲਗ ਹੋ ਜਾਏ ਚਲ ਬਸ ਜੀ ਸਰ
या मगरूर हूँ या मजबूर हूँ, या मगरूर हूँ। 21 साल से खादिम साहब और जनाब विक्टर साहब मेरे दीवार के साथ दीवार, दिन रात मसरूफियत और बाज़ औक़ात मेरे आंसू निकल आते हैं। अभी मेरा बेटा कॉलेज से आया है, पीछे गया है। मैं कहता हूँ बेटा मैं आपको भी वक्त नहीं दे सकता, मुझे आपसे भी नदामत और माजरत, और फिर इसकी कमी पूरी यूं करता हूं कि इनको किसी मुल्क में लेके चला जाता हूं, या फिर अम्मा के मजार पे जाके इनको बैठ के घंटों बैठा रहता हूं। अच्छा यकीन जानिए मैं गली में नहीं निकल सकता, हर जगह बंदा मिलता है। मेरी एक बात सुन ले, दो मिनट बात सुन ले। और बाज़ औक़ात हाथ नहीं मिलाता, सलाम करता हूं। सलाम, हाथ मिलाना जरूरी नहीं, सलाम करना जरूरी है, कि बंदा मेरा हाथ पकड़ लेता है, मेरी बात सुन ले, और मुझे नदामत होती है, तन्हाई में बैठ के रोता हूं। मौला तूने तो मुझे ये शोभा दिया था इंसानियत की खिदमत का, पर मेरा हाल ये है कि मैं अपनी जात के लिए वक्त नहीं दे सकता। हर वक्त मुलाकातें और लोगों का दुख और लोगों के मसाइल। मैं इंशाल्लाह आप यहां अगर मुझे बुलाते रहेंगे मैं वादा करता हूं कि मैं आता हूं। सर सुभान अल्लाह, थैंक यू वेरी मच। राजा हसन अख्तर साहब, इन्होंने बहुत एफर्ट की, बहुत कोशिश की, मेरे दिन रात पीछे पड़े रहे। मैं राजा साहब को कह रहा हूं बहुत ज्यादा कि हर वक्त हजरत वक्त हैं, हजरत वक्त हैं। मेरा पैगाम हजरत है, मैं तो वही छोटा सा आदमी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक राजा साहब को जजाए खैर अता फरमाए। इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी मोहब्बत, जनाब खादिम हुसैन साहब की और जनाब जफर साहब की मोहब्बतें, और अगर आप बात कर लें पैगाम देते, आखिर में दुआ करा दूं। सर बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अहमद रसूल करीम। इज़्ज़त माब जनाब हज़रत हकीम तारक चुगताई साहब, उनके साथ तशरीफ लाए हुए तमाम मोतबर शख्सियात, मेरी बहनें, मेरी माएँ, ख़वातीनों हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मुसलमान होने के नाते दीन से सीखते रहना दीन को, और फिर वो ऐसे लोग जिनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ड्यूटी लगा रखी हो कि आपने ये चीज़ें फैलानी हैं। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालदा, मेरी औलादें, मैं आप पे कुर्बान, आखिरी नबी थे, कोई उनके बाद नहीं आया, और दीन फैलता जा रहा है। ये अल्लाह ने जिम्मेदारी और ड्यूटी लगा रखी है मुख्तलिफ लोगों की, और उनको वो ताकत और वो शर्फ बख्शा और फिर उनकी जिम्मेदारी लगाई। तो मैं समझता हूँ कि जी हकीम तारक चुगताई साहब भी उनमें से एक हैं, कि जिस तरह हम यहाँ बैठे, मैं, मेरे प्रेजिडेंट साहब कारोबारी बरादरी की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ड्यूटी लगा रखी है, और हमें ये शर्फ बख्शा, ये ताकत बख्शी कि हम यहाँ बैठे और हम बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह हजरत साहब को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ताकत बख्शी और उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी लगाई, और मैं समझता हूँ कि वो बखूबी निभा रहे हैं। हजरत साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत और ज़िंदगी दे, और इसी तरह आप करते रहें अपनी आका की मोहब्बत में और अल्लाह के अहकामात को, और हमारे लिए भी दुआ को रखिएगा कि हम भी अपने हिस्से का काम करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की ये खूबसूरती और मोहब्बत है कि अगर आप इस नियत से किबले की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और इस नियत से बैठे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए, और उसके अहकामात की रोशनी में जो भी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भी इबादत होता है, तो सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी ज़रा सख्त और बड़ी है हजरत साहब, तो अल्लाह आपको इस्तकामत और हिम्मत दे, और मैं आपका मशकूर हूं कि आप यहां तशरीफ लाए। किसी भी वसातत से अल्लाह ताला ने आपकी जिम्मेदारी और ड्यूटी लगाई कि यहां जो दोस्त बैठे हैं वो आपकी बातों से मुस्तफीद हूं और आपसे कुछ सीखें और लेके जाएं। तो मैं समझता हूं जिस भी नाफल में कोई आता है, वो जब वहां से कुछ सीख के और लेके जाता है, तो समझ लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस पर रहमत और करम है। तो आज की इस महफिल को अल्लाह की रहमत और करम वाली महफिल बनाने के लिए आपका शुक्रिया जनाब हजरत साहब। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए और आपने यहाँ वक्त दिया और सबकी दादरसी की, सबको सुकून कलब के लिए कुछ चीज़ें बताई, और मैं खुद आपका बड़ा मुअक्कद हूँ। मेरे मोबाइल में चीज़ें हैं, मैंने लिखी हुई है जो रोज़ की मैं तस्बीहात करता हूँ, उसमें चार चीज़ें मैंने आपकी बातों से ली हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि उसकी रहमतें, उसके करम और उसकी बरकतें, मेरी औकात नहीं कि मैं शुक्र अदा कर सकूं।
तो मैं आपका भी मशहूर हूँ एक बार फिर, और आपसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि दिल से एक दुआ कीजिए कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कारोबारी बरादरी और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसकी बेहतरी के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकें। अल्लाह हमें भी तौफीक और ताकत अता करे कि हम इस मुल्क और कौम के लिए अपनी ताज बरादरी के लिए कुछ कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया साहब, दुआ फरमा दीजिए। والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين سخيا کا ہماری حاضری کو قبول فرما ہمارے جذبوں کو سچا کر دے اے سخیا کا دلوں میں محبت اور رواداریاں ڈال دے اے اللہ رزق میں برکت دے جان میں برکت دے مال میں برکت دے اللہ ہماری سوچوں اور جذبوں میں برکت دے اے اللہ ہمارے جتنے تاجر بیٹھے ہیں ان کے لنگر اور ان کے کشکول اپنے غیب کے خزانے سے بھر دے اللہ اپنے نام کے غنی ہونے کی محبتیں اور شفقتیں فرما سب کو غنی کر دے فقر فاقے سے بچا اے اللہ یہ فقر فاقہ ایمان کو بھی دور بیچ دیتا ہے اے اللہ غربت تنگ دستی سے بچا اے اللہ جو غریب ہیں فقیر ہیں ان کی مددیں فرما ان کی ضرورتیں پوری فرما ان کی نسلوں میں تمنگریاں عطا فرما میرے اس وقت محسن میاں طارق صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے تیری تقدیم میں ان کی مغفرت فرما ان کے درجے بلند فرما اے سخی آقا جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما ان قریب ہم آنے والے ہیں ہمارا خاتمہ ایمان کر دے کلمہ نصیب کر دے چوکٹ مصطفیٰ عطا کر دے کملی والے کی چھتری دے دے کملی والے کی سفارش دے دے ان کی چھتریوں سے محروم نہ فرما جتنی بہنیں بھائی بیٹھے ہیں ان سب کی آسیں پوری فرما امیدیں پوری فرما ضرورتیں پوری فرما اور مشکلیں حل فرما اور ناکامیاں دور فرما پاکستان اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما چھاونی ایوانوں کی حفاظت فرما گلیوں بازاروں اور آنچل کی حفاظت فرما ہمارے بادشاہوں کو خیر سجا عافیت سجا اور برکت سجا وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واطراتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ